तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं थांग विलेज, और जो लास्ट में दो वैलीज के बीच में, दो पहाड़ के बीच में जो वैली है, वहां जो ग्रीनरी दिख रही है वहां पर पाकिस्तानी बॉर्डर है। वो व्हाइट बंकर दिख रहा है, वो ब्लैक पोल, उस ब्लैक पोल के इधर को रहना है हमें। ऊपर जाते ही पाकिस्तानी सैनिक वार्निंग देगी। रेडी गाइस, मुंह धो रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुरतुक अगेन। अभी हम लोग तुरतुक में हैं, तो अब सवेरा हो चुका है और हम लोग क्या करने आए हैं, खाना खाने यानी कि ब्रेकफास्ट। सुबह के 9 बजने वाले हैं। हमने क्या किया कि पराठा ऑर्डर किया है, चाय पराठा एंड ऑल। और ये जगह इमेंस अच्छा लगा। कल रात को हम यहाँ आए थे, महा रेस्टोरेंट नाम है यहाँ पर, तो मेन रोड पर ही है। तो देखिए कैसा ये, और सर यहाँ पर देखिए आप, 100 रुपये का पनीर पराठा है, 50 की चाय है, 70 की कॉफ़ी है, 70 का गोभी पराठा है और अमूल बटर एक्स्ट्रा। तो हमने ये सब ऑर्डर कर लिया, खा रहे हैं अभी। इसके बाद हम जाएंगे थांग विलेज जाके वहाँ से देखेंगे बॉर्डर। भैया जी, यहाँ रुक सकते हैं रात को? वो है पाकिस्तान। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं थांग विलेज, और थांग विलेज में हम लोग एंड पॉइंट पे आ चुके हैं, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर किस तरफ है। वो है उस तरफ, एकदम एक्सट्रीम, मेरे हाथ के बिल्कुल इधर को, जो लास्ट में दो वैलीज के बीच में, दो पहाड़ के बीच में जो वैली है, वहाँ जो ग्रीनरी दिख रही है वहाँ पर पाकिस्तानी बॉर्डर है, मतलब पाकिस्तानी सेना है, और हमारी सेना है इधर को, इस वाले पहाड़ पे। तो गाइस यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक फीलिंग आ रही है कि एक हिस्ट्री हम देख रहे हैं, जो हिस्ट्री हुई थी यहाँ पर, क्या होता है 1971 वॉर के बाद ये इंडिया में आ गया था, और उसके बाद अभी भी इंडिया में है। 2018 के बाद यहाँ पर टूरिस्ट को अलाउ किया गया है, और हम वन ऑफ देम हैं, लकीएस्ट पीपल जो कि यहाँ पर विजिट कर पाए हैं। देखिए कोई टूरिस्ट नहीं है, एक गाड़ी और आई है हमारे अलावा जम्मू से, और कोई नहीं है, दिल्ली से तो कोई गाड़ी नहीं है। और रेनो क्विड तो पहली बार इस जगह आई है, देख सकते हो। तो गाइज, सो वी आर ओनली 2 kilometers अवे फ्रॉम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड हैं। I am probably standing at Thang. तो सबसे नॉर्दर्न विलेज है ये, नॉर्दर्न मोस्ट। तो हम नीचे जाएंगे, वहाँ है बाइनाकुलर, उससे देखेंगे विलेज को, हो सका गया तो आपको भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं व्यू पॉइंट पे। देखिए ये व्यू पॉइंट कुछ नहीं है, कुछ अच्छा पार्किंग एरिया, यहाँ खाने पीने का मिलता है मस्त मस्त, और यहाँ पर बाइनाकुलर मिलता है, 50 रुपये लगते हैं, वो देख लेंगे। चलो एक चक्कर मारते हैं व्यू पॉइंट का, ये देखिए है ना, या बाल्टी कुजीन फेमस है, ये बोलते हैं ना कुजीन, बाल्टी खाना कुजीन। वाह, यहीं पे लगा दे गाड़ी तो हम इधर ही लगाएंगे। अरे मोनेस्ट्री बन रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। चलिए उतरते हैं आपके साथ और फिर आगे चलते हैं। गाड़ी बंद, हम बाहर। हाँ गाइस अभी चल रहे हैं आगे,
बाइकर्स भी आ चुके हैं यहाँ पर। नाइस, चलो गाइस अब हम देखते हैं बाइनोकुलर का यूज होता है कि नहीं। तो गाइस हम यहाँ से आए थे, अभी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी और यहाँ पर मैंने अभी मैं देखूंगा बाइनोकुलर, सुब्रत देख रहे हैं, पीछे हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड एरिया है। तो ये देख सकते हो इधर अपना, यह है इंडियन पीक और ये हमारी सेना बैठी है इधर, किधर 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 किधर, वाइट बंकर, वो वाइट बंकर दिख रहा है, है ना। वो है हमारे भारत का पीक। अब मैं दिखाता हूँ आपको पाकिस्तान, इधर देखिए मैं बिल्कुल तेज दिखा रहा हूँ। पार्किंग, ठीक है, पार्किंग से हम इधर को देखेंगे राइट लेफ्ट को, तो ये हमारी इंडियन सेना का पीक है सारा। देखिए यहाँ पर हमारी भारतीय सेना बैठी है, ठीक है। अब ऊपर चारों तरफ ये वाइट वाला जो बंकर है वो हमारी इंडियन सेना का है, वहाँ सैनिक बैठे हुए हैं। और पता है वो चढ़ते कैसे वहाँ से, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा ज़िगज़ैग, पैदल चढ़ते हैं वो, देख रहे हो, ये पैदल ऐसे चढ़ते भाई, बहुत मेहनत। और मैं दिखाता हूँ पाकिस्तान का गांव, उससे पहले हम देखते हैं कहाँ पर है वो एरिया जहाँ से एलओसी स्टार्ट होती। देखिए वो ये बंकर सा दिख रहा है हमें, ये जो है भाई बहुत हिल रहा, बहुत ज़्यादा जूम कर रखा है मैंने, मान लो 120x। तो ये जो है अपना इंडियन वो है बंकर, मैं फ्लैग दिखाता हूँ, ठीक है, वो फ्लैग दिख रहा होगा बंकर पे, दिख रहा है बंकर और फ्लैग, है ना, वो भारतीय पोस्ट है। उसके बाद वो देखो बॉर्डर एलओसी, और उसके बाद वो नो मैन्स लैंड जो कि खाली जगह, उसके बाद है नदी जो कि एलओसी है, सॉरी वो तो अपनी फेंसिंग है, एलओसी जो है वो ये नदी है, और उस नदी के पार अब आइए दिखाता हूँ आपको मैं, वो देख सकते हो आप जो ग्रीन एरिया है सारा पाकिस्तान का है अभी, और वहाँ से चढ़ते हुए अब मैं दिखाता हूँ पाकिस्तानी बंकर का है यहाँ पर। और देख सके तो वो जो देख रहे हो लाइन, यहाँ से पाकिस्तानी बंकर है और आपको दिख रहा होगा, तो और वहाँ दूर घर भी है वाइट कलर के, वो दिख रहे हैं, ये पाकिस्तानी घर है पाकिस्तानी की तरफ, है ना, ये चक्कर है यहाँ पर। और हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर ये जो माउंटेन पीक्स है ये भी भाई साहब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड है, कोई दिख जाए तो दिखाता हूँ बट नहीं दिख रहा। तो गाइस अब मैं हटाता हूँ बाइनाकुलर और ये नॉर्मल वीडियो, देखिए मैंने बाइनाकुलर लगा रखा था ये वाला, ये जो हमने लिया था, तो मैंने इसके यूज़ पे आपको दिखाया था अभी जो भी दिखा। तो ये जो सामने पीक है भारत की और इधर को है पाकिस्तान और बीच में हम, और उधर है पाकिस्तान का गांव। तो गाइस जाके बहुत मज़ा आया। और एक चीज़ यहाँ पर, वेयर इज़ द पोल, पोल 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 पोल, ये जो ब्लैक पोल दिख रहा है भाई साहब के पीछे वो ब्लैक पोल, उस ब्लैक पोल के इधर को रहना है हमें, ऊपर जाते ही पाकिस्तानी सैनिक वार्निंग देगी क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक इस बंकर के ऊपर यहीं बैठी ऊपर। तो वो पोल मेरे से मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं है भाई, 30 मीटर है, वैसे यहाँ से लाइन चलती है ऊपर। ये शॉप्स हैं। I'm a hardcore biker. I'll show you the pic. यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 200 रुपए का टिकट है। I'm just a kid in front of him.
और ये पाकिस्तानी बंकर्स हमेशा देखते रहते हैं क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है। अभी हमें चलना होगा वापस और हम जाएंगे अभी तुर्तुक की तरफ। हो सकता है विलेज में जाए, थोड़ा वहाँ के सैर सपाटा करें, उसके बाद आगे बढ़े टूवर्ड्स फेंगोंग चुदाई और बीच में कहीं रुकेंगे। चलते हैं, मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि भाई ने बोला यार यहाँ पर थोड़ा डबल रेट है, बस कोई बात नहीं यार, ऐसे भी खरीदने का मन नहीं था, क्या खरीदे, खाता हूँ नहीं ये सब। चलिए आगे चलते हैं, भाई ने कुछ देख के बड़ा मजा आया। चलिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम थांग एंड गोइंग टूवर्ड्स तुर्तुक अगेन। तो अभी देखने लायक कुछ नहीं है, तुर्तुक विलेज जाके हम देखेंगे आगे क्या होता है। बहुत है, लेते थोड़ा सा, आइए ठंडा ठंडा पानी आ रहा है ग्लेशियर का, मुंह धो रहे हैं, मुंह धोना है और कुछ नहीं, ठीक है, मजा आ गया भाई ठंडे ठंडे में। अब तो